नमस्कार दोस्तों, फेसबुक लाइव में सबका स्वागत है। खबर लहरिया, मैं आज किसानों के खेते पर मौजूद हूँ, जहाँ इस समय जोर शोर से किसानी का काम हो रहा है और यहाँ पर 15 दिन से बारिश नहीं हुई है। इससे किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। किसान इतना मेहनत करने के बावजूद भी इस समय मायूस है, जो हम किसानों से जानते हैं कि किस तरह की इस समय दिक्कत पड़ रही है। क्योंकि किसानों की हर साल का यही रवैया होता है, कभी बारिश तो कभी ओलावृष्टि, कभी सूखा, इस तरह से किसान मार झेलता आ रहा है। क्या नाम है अंकल आपका? हमारा बाला दिन। इस समय आप क्या कर रहे हैं खेतों पे? निंदाई कर रहे हैं। निंदाई तो निंदाई हो रही जी, हमेशा निंदाई ही करते हैं। कब से निंदाई कर रहे हैं? 8 दिन हो गए। क्या है फसल की स्थितियां हैं? सूख रही का है, पानी नहीं बरस रहा है। कब से नहीं बारिश हुई है? कम से कम होगा इनमें क्या 15-20 रोज, 15 से तो कम होने लगे। क्या सोचते हैं? हम तो जो सोचा कि पानी बरस जाए तो और अच्छा रहा है, तो मेहनत काम में आ जाएगा। इस समय की किस तरह की फसल है? अब फसल का है सूख रही है। क्या है? का है सूखे ही आ जी। अगर पानी बारिश ही होता रहता तो कितनी बड़ी फसल हो जाती? अब फूल पे आ जाती। फूल पे जी, फूल पे आ जाती। अब किसानी में कितना मेहनत पड़ती है? अब किसानी में तो बहुत मेहनत पड़ती है। किस तरह की? अब इस तरीका की परत के समझ लो कि बेलदारी में कम परत ही में ज़्यादा परत, रात दिन की मेहनत है जी। जैसे आपने रात का उदाहरण लिया, तो रात में किस तरह की मेहनत पड़ती है? अब रात में जेका जानवर रखा उन्हें ढोर बछेरू नहीं तक आए, फिर कहाँ भाव जाते, वही में है जो बारिश नहीं हो रही। तो आप किस तरह से मायूस हैं, क्या सोचते हैं? अब सोचे हाँ तो ऐसा हुआ कि सोच तो भाई ऐसी है ये खेती बाड़ी की, यह जो हो जाए तो और अच्छा रहा है। अब भगवान की कृपा है, बरस गए तो बरस गए, ना बरसे तो का है सूखा पड़ रहा हूँ। तो आपने देखा कि किसान की छाती कितना किसान अपनी छाती कितना दबा के रखता है, कि रात दिन मेहनत करने के बावजूद भी आसमान को देखता है कि कब बारिश होगी, किस तरह से हमारी फसल आगे जाएगी। अब किसान तो, की तो ऐसी और वो रात दिन किसान अपने खेतों में रहकर रखवारी और निंदाई गुड़ाई कर रहा है। तो और हम किसानों से जानते हैं कि कितनी मेहनत होती है और क्या लागत होती है, क्या सोच रहे हैं इस समय बगैर बारिश के। दादी, कितना आपके खेतों में आप लागत लगाते हैं? लागत अब ऐसा है कि देखो जी, 10,000 रुपये क्विंटल मूंगफली ली है, बीजा फूरा है,
अब ऐसे बोआ है, अब मान लो बो के लागत भी लगाते हैं, हैं अब निंदाई भी कर रहे, पानी बरस नहीं रहो, रात दिन परेशान रहते हैं हम, जानवर खाते हैं जो कि हम खेतों में पा रहे हैं, डरी हैं, रात दिन जगते हैं, दिन में जी निंदाई खुदाई करता, अब 15 दिन हो गया, अब 20 दिन पानी नहीं बरस रहा, बिल्कुल जी परेशानी है समस्या। अब इसका कोई सहयोग या कोई मान लो दिक्कत वो हो जाए घटना, तो मान लो परेशानी किसान का तो बहुत है। इस वजह से मूँगफली मान लो अब तक फूलन लगती, मूँगफली मान लो अब जी सूख रही, बिल्कुल भर्रा हो रही, बैठे का कह रहे हैं वो तो छोड़ रहे, चारा समय काट रहे, जानवर का देख नहीं है, जानवर ही बहुत परेशान कर रहे, निंदाई हो रही बस जी। हम समझते हैं कि किस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, पर बारिश अगर होती तो किस तरह से फसल अभी तक हो जाती फूलन लगती फसल। मान लो अब कौन 20 दिन हो गया, बहुत बेहदा ही, एक तो 10,000 रुपये क्विंटल की मूंगफली खरीदी, उसका बीज बनाया, बोआ है, ये सब मान लो घाटे में जा रहे हैं, अब पानी है जो कि बरस नहीं रहा बिल्कुल। कब से नहीं बरसा है? कम से कम 15 दिन हो गए, 20 दिन पानी बर, रात में हम खाटे बना के वहीं खाना बनाते हैं, खाया तो खाया नहीं तो जानवर परेशान कर रहे, रात दिन मान लो सो नहीं पाते हम, अब ये समस्या पानी की है, मान लो 15-20 दिन से पानी बरसा है। अब इस साल किसानी कर रहे हैं लोग? किसानी कर रहे होंगे कम से कम 60% 70% किसान तो कर ही रहे हैं, और मान लो बाहर आ जा रहे हैं, लॉकडाउन में जो कि बेबी नहीं जा पाए, बेबी अपने घर पे बैठे हैं, मजदूरी है जो देहात में लगती भी नहीं है बिल्कुल, कोई कोई भूखा नहीं मर रहा, खर्चा का बैठा परेशानी हो रही, अब फसलें हैं जो सूख रही हैं बिल्कुल। तो और साल में और इस साल में क्या अंतर है? भाई अंतर ये है कि देखो टाइम से पानी नहीं बरसा तो किसान तो मरता ही है, अब सिंचाई तो कर नहीं सका, सिंचाई के कोई साधन है नहीं है, ऐसे जो कर ले मान लो सिंचाई हो नहीं सकती है, सिंचाई की व्यवस्था हो जाए तो मान लो किसान ठोकर वो कर सके, दिक्कत ये है। तो इस साल ज़्यादातर लोग किसानी में लगे हुए हैं? लगे हैं मान लो इस तरीके से लगे हैं कि मान लो बाहर आते लॉकडाउन में मान लो सब बाल बच्चे सब भाग आए, 4 आदमी मान लो घर पे हैं तो 2 बाहर हैं, 2 अपनी किसानी में लगे, अब बेबी मान लो बाल बच्चे की लागत लगाई, भूखो मर रहे, मान लो खाना पीना खर्चा को पैसा जो आ नहीं रहा है, फसलों की ज़्यादा सा है। तो किस तरह की संभावना है आगे? आगे जी है कि 4 से 8 दिन और नहीं बरसता तो फसल सूख भी जाएंगी, हमारी सब लागत भी चली जाएगी जो लगाया है। इस साल क्या क्या फसल बीबी हुई है? मूंगफली बीबी, उड़दा बीबी, तिली भी बीबी, मूंग बीबी, ये फसलें बीबी हैं। तो इस साल सबसे ज्यादा खेती बीबी हुई है कि अन्य साल बीबी रहती थी? नहीं इस साल ज्यादा बीबी है, कहीं खेती मान लो पड़ी नहीं है, आदमी ने कर्जा उठा के बीज ले के बोई है, लागत लगाई जी, अब पानी बरस नहीं रहा, सूख रही फसल जी, परेशानी है। तो सबसे ज्यादा यहाँ बारिश की समस्याएं हैं? बारिश की समस्या है सबसे ज्यादा परेशानी, बारिश की है, रात दिन मान लो हम जानवरों में परेशान हैं, एक आध खेत हुआ तो हम मान लो तारबारी कर लें, बंदेज कर लें, नहीं तो मान लो कई का रात दिन मान लो जानवरों में परेशान होते हैं, सब्जी फसल ही बर्बाद हो रही। तो जैसे आपने देखा कि दादी किसान ने बताया है कि रात दिन हम अपने खेतों की रखवाली कर रहे हैं, और अन्य साल से इस साल ज़्यादा खेती बीवी हुई है क्योंकि बाहर से लॉकडाउन के चलते हुए मजदूर भी बाहर जो रहते थे वो आ गए हैं, सारी खेती जो पड़ी रहती थी थोड़ी बहुत वो भी बीवी हुई है, जो अन्य साल इतनी खेती नहीं बही जाती थी, तो इस साल खेती का करने का तरीका ही कुछ अलग है, तरीका तो अलग है पर आखिरकार भगवान किसानों के लिए साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है ये तो ऊपर वाले की ही महिमा है।
जो कहते हैं कि 15 दिन से बारिश नहीं हुई है और अगर 10 दिन और बारिश इसी तरह से नहीं होती है तो किसान बिल्कुल चपटे में बैठ जाएगा। किसानों की जो फसल है तिल, मूंग, उड़द, मूंगफली, वो सूखती है। तो भैया दोपहर में किस तरह की फसल हो जाती है आपकी? दोपहर में जी, अब दोपहर की जो ऐसी या कि ऐसी कम ले जात के समझ लो कि सूख आ गई। दोपहर में बहुत ज्यादा बेकार हो गया, लटक जात पत्ता डाल दे जी। हाँ। और शाम सुबह? शाम सवेरे तो बढ़िया लाग, रात भर की सीढ़ चढ़ जात ना ऊपर जी, तो फिर तो बटाना साजी लग है, और दोपहर में तो बेकार हो जाता। तो तब क्या महसूस करते हैं कि बारिश की, भगवान को देखते हैं कि कब बारिश हो, क्या करते हैं? भगवान की आशा तो इतनी लगा कि कोई बरस जाए, चाहे जो कहने का सा लगी पानी की, तो अगे न भी बरसा ही नहीं रहे, आका कर बदल हो रहे, बरस नहीं रहे। शाम सवेरे भर रात फसल तना ताजी, तो फिर में तो बिल्कुल घूम जाएगा। किसान कहते हैं कि शाम सुबह तो फसल अच्छी दिखती है, जो फसल है वो हरी भरी दिखती है, लेकिन दोपहर में अगर देखा जाए तो बहुत उस तरह से महसूस होता है कि अगर बारिश नहीं होगी तो किस तरह से पानी फसल तैयार हो पाएगी, क्योंकि दोपहर में इतनी धूप निकलती है और जो फसल की पत्ती है वो सारी सूखने जैसी दिखती है, कुमले आ जाती है। तो चलिए दोस्तों, हम अपना लाइफ यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।